नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में बताएंगे हम आपको एक ऐसे शेयर के बारे में जो आपको आगे चलकर बहुत ही बेहतरीन बोनस शेयर दे सकता है। मतलब ये आपको आगे चलकर के बोनस शेयर दे सकता है, क्योंकि यह शेयर अभी बेहतरीन कंपनी है और इस कंपनी के प्रोडक्ट भी अभी काफ़ी मार्केट में डिमांड में है। और इसमें जो अभी इस पैंडमिक सिचुएशन में इस कंपनी के रिजल्ट जो है इतने बेहतरीन आए हैं, इतने आउटस्टैंडिंग आए हैं कि जितना आपको किसी भी कंपनी के बेहतर रिजल्ट देखने बहुत ही कम मिलेंगे। मतलब जितना प्रॉफिट होना चाहिए उससे ज़्यादा प्रॉफिट आया है। प्रॉफिट में काफ़ी इंक्रीज हुआ है, 40% तक का तेजी देखने मिला है। समझ सकते हैं इस पैंडमिक सिचुएशन में जब लोगों के पास खर्च करने के लिए ज़्यादातर पैसे नहीं, वैसे में इस कंपनी के रिजल्ट में 40% तक का प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ है। तो ऐसे ही कंपनी के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, यह कंपनी आपको बोनस शेयर दे सकती है क्योंकि ये इस पैंडमिक सिचुएशन से प्रभावित नहीं होने वाली है। तो जैसे इस कंपनियों में और मोमेंटम अब पकड़ने वाला है, तो मोमेंटम पकड़ेगा तो निश्चित है ये कंपनियों के जब प्राइस काफ़ी ऊपर वैल्यूड होने लगे, काफ़ी हाई होने लगेगा, तो अपने रिटेल इन्वेस्टर को ध्यान में रखते हुए कंपनियां बोनस शेयर जरूर इश्यू करेगा। तो चलिए इसी कंपनी को देख लेते हैं। कम से कम पहले देखेंगे कब कब ये बोनस दिया है, सारे फंडामेंटल्स पैरामीटर्स देखेंगे, फिर इसके टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, इसके लेवल्स और टारगेट को जानेंगे शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए। तो दोस्तों हम आ चुके हैं मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर, यहाँ पर देख सकते हैं ये चार्ट है। तो सबसे पहले बोर्ड मीटिंग 17 जुलाई को देखना है, रिजल्ट इसका आ चुका है 17 जुलाई को क्वार्टर रिजल्ट। अब डिविडेंड देख लीजिए, तो डिविडेंड कंपनी काफ़ी शानदार दिया है 3500% का। मतलब तो दोस्तों यहाँ पर डिविडेंड देख लीजिए, डिविडेंड भी काफ़ी बेहतरीन दिया है, बेहतरीन डिविडेंड यहाँ पर देखना है 3500% का डिविडेंड 2020 में, मतलब 35 रुपये का, तो शेयर भी थोड़ा महंगा है इसका। फिर 2019 में 1500% का 15 रुपये डिविडेंड, यहाँ पर 12.50 रुपये, 11 रुपया, 10 रुपया, तो काफ़ी बेहतरीन मतलब बोनस के रूप में दिया है अमाउंट। उसके बाद यहाँ पर बोनस शेयर देख लीजिए, 1:1 का 2019 में, 1:2 का 99 में, 89 में, 87 में, 1983 में 2:5 का, तो बोनस भी रेगुलर इंटरवल पे दिया है। तो इधर 2019 और 99 के बीच आप गैप देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि ये स्प्लिट हुआ है बीच में। तो स्प्लिट भी छोटे रिटेल इन्वेस्टर के लिए किसका करता है, काम करता है बोनस शेयर का, क्योंकि ये जो जिस रेशियो में स्प्लिट होता है, फेस वैल्यू को घटाया जाता है, उसी रेशियो में आपके नंबर ऑफ शेयर्स को बढ़ा दिए जाते हैं, तो फ्री में शेयर मिलते हैं। तो देख लीजिए बीच का जो गैप था आप 99 से 19 में, तो यहाँ पर देखते हैं 2010 में 10 से फेस वैल्यू डायरेक्ट आया 2, मतलब आपका शेयर 5 गुना हो गया। अगर 1000 शेयर बाय किए होंगे तो आपका शेयर 5000 हो गया। फिर 2018 में फेस वैल्यू 2 से घटा करके 1 हुआ, मतलब फेस वैल्यू को स्प्लिट किया गया, तोड़ा गया फेस वैल्यू को, आपका नंबर ऑफ बोनस को बढ़ाया गया। तो 2 फेस वैल्यू था 1 हो गया, तो आपका 1 शेयर 2 हो जाएगा, मतलब 1000 शेयर था तो हो गया 2000। अगर यहाँ पर पहले से बाय किए थे 2010 से पहले, तो यहाँ पर हो गया आपका 5 गुना, 1000 5000, फिर यहाँ पर हो जाएगा 5000 10000 शेयर। तो समझ सकते हैं 10 साल में 2018 में ही आपका शेयर 10 गुना हो गया, और साथ साथ बोनस जो 2019 में मिला तो आपका शेयर हो गया 20000। तो 10 साल में आपका शेयर हो गया 20000। तो इतना अच्छा और इतनी बेहतरीन कंपनी है और इस सेक्टर की कंपनी है जिसका बिजनेस कभी प्रभावित नहीं होता, वो है FMCG सेक्टर। चाहे सिचुएशन कैसा भी हो, इसका बिजनेस चलेगा ही, कभी थोड़ा ज़्यादा, कभी थोड़ा कम, लेकिन हर समय इसका बिजनेस चलेगा, हर मौसम में, हर सिचुएशन में। अब उसके बाद वैल्यूएशन देख लेते हैं, तो मार्केट कैप देख लीजिए 91,000 करोड़ का मार्केट कैप है, पी रेशियो 61 का है, जो कि इंडस्ट्री के पी से काफ़ी कम है, तो सस्ता मिल रहा है ये स्टॉक्स। डिविडेंड तो आपने देख ही लिया, 3500% का प्राइस टू बुक वैल्यू देख लीजिए, बुक वैल्यू से प्राइस जो है 21 गुना है। तो इस सेक्टर के स्टॉक थोड़ी आपको महंगे ही मिलेंगे क्योंकि इवर ग्रीन सेक्टर है ये। आप प्रॉफिट देख लेते हैं, जो हम जिसके बाद हमने शुरू में ही किया था, कंपनी का प्रॉफिट जो है, मतलब जो रिजल्ट है, काफ़ी आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आया है। यहाँ पर देख लीजिए जून, मार्च, दिसंबर, सितंबर, जून 2019, जो 2019 से यहाँ पर देख लीजिए 248, यहाँ पर आ गया 542 का प्रॉफिट, 100% से भी अधिक का जंप। समझ सकते हैं 100% से भी अधिक का जंप लगाया है, मतलब 110% का जंप यहाँ पर प्रॉफिट में हुआ है मात्र एक साल में। एक साल के अंदर प्रॉफिट में जंप 110% का, सिर्फ प्रॉफिट में नहीं, यहाँ पर सेल्स में भी जंप हुआ है। देख सकते हैं 2700 रुपये का सेल्स था, वहाँ पर चला गया 3400 करोड़ का, 2700 करोड़ से
3400 करोड़ रुपया पर। तो सेल्स में भी इंक्रीज, प्रॉफिट में 110% का इंक्रीज, तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी ग्रो कर रही है। तो उसके बाद हम आप इसके बैलेंस शीट पर चलेंगे, उससे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लीजिए, कंपनी के जो प्रमोटर्स है उसके पास 50.61% का स्टेक है। तो यहाँ पर जो है मार्च से जून क्वार्टर में थोड़ा सा पॉइंट जीरो टू परसेंट का स्टेक प्रमोटर्स का थोड़ा सा कम हुआ है, FIs का थोड़ा सा कम, तो DIs का यहाँ स्टेक बढ़ाया गया है। तो ये सारे प्रमोटर्स के स्टेक है, तो प्रमोटर्स भी अच्छा मतलब इसमें अपना होल्डिंग रखता है, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन है। अब हम इसके बैलेंस शीट को देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, इसके बैलेंस शीट को देखना है कितना रिजर्व है कंपनी के पास। तो देखते हैं 4250 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है, 4250 करोड़ का। नीचे चलते हैं तो जो सिक्योर्ड लोन है कंपनी के ऊपर है 1202 करोड़ का, जो कि इसी देखते हैं इसी मतलब यहाँ पर हम देखें अर्ली बाइज, तो इसी ईयर में कंपनी के बैलेंस शीट पर थोड़ा सा जो है डेप्ट बढ़ा है, तो कंपनी के ऊपर डेप्ट भी आ चुका है 1202 करोड़ का। तो अगले क्वार्टर में देखते रहना है कि डेप्ट कंपनी कम करती है या नहीं। उसके बाद नीचे चलते हैं कैश और बैंक बैलेंस, कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस कितना है 39 करोड़ का। उसके बाद नीचे चलते हैं तो कंपनी के पास जो बुक वैल्यू है काफ़ी इंक्रीज हुआ है यहाँ पर देखते हैं पिछले ईयर से, लेकिन अब पहले के मतलब इससे भी पहले 2018 में कंपनी का बुक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा था, उससे थोड़ा सा डिक्रीज हुआ था, फिर अब इंक्रीज हुआ है। तो हर पैरामीटर्स पे आपने देखा कंपनी कितनी बेहतरीन है। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज देख लेते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, क्योंकि ये बहुत मायने रखता है कंपनी के पास जो इक्विटी है जो एसर्ट है उस पर कितना रिटर्न है। तो दोस्तों ये है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, तो इसमें नीचे चलते हैं तो हमारा जो अर्निंग पर शेयर है वो है देख सकते हैं 61 का, ये 2020 का ईयर वाइज है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो काफ़ी गिरावट आया था पिछले साल मतलब 19 के फाइनेंशियल ईयर में, अब की बार काफ़ी बढ़ा है 20 में। फिर अभी लेटेस्ट देखना है तो इसके हम रिजल्ट वाले सीट पर ले जाएंगे, रिजल्ट वाले सीट पर देखेंगे अर्निंग पर शेयर अभी का क्या है इस क्वार्टर का। फिर हम यहाँ पर आ चुके हैं जो हमें मुख्य रूप से देखना था, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिएगा तो चौक जाइएगा आप, देख लीजिए 44, 32, 29, 27, 34 काफ़ी बेहतरीन है रिटर्न ऑन इक्विटी। जब 30 से ऊपर होता है तो वो काफ़ी बेहतरीन होता है, तो आप देख सकते हैं कई बार ये 30 से ऊपर का रिटर्न, सिर्फ एक बार यहाँ ये भी 30 ही समझिए, एक बार कम हुआ है पिछले साल। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कैपिटल एम्प्लॉयड हुआ है उस पे रिटर्न भी काफ़ी बेहतरीन है, एक बार यहाँ पे कम ये हुआ था। फिर रिटर्न ऑन एसर्ट ये भी 20 से ऊपर है, देख सकते हैं 20 से ऊपर। और डेप्ट टू इक्विटी रेशियो यहीं पर, पहले से डेप्ट जीरो था, अभी कंपनी के पास थोड़ा सा डेप्ट आया है। तो ये सारे पैरामीटर्स थे। अब कंपनी के हम जो रिजल्ट है उसको देख लेते हैं इस क्वार्टर के, कंपनी के आगे ग्रोथ के प्रोस्पेक्टिव कैसा है। तो दोस्तों ये है ब्रिटानिया इंडस्ट्री का जो रिजल्ट का सीट है वो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारी चीज़ तो हमने पहले से ही डिस्कस कर लिया रिजल्ट को। तो यहाँ पर हम देखते हैं अर्निंग पर शेयर में कितना इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट में तो आपने देखा कि डायरेक्ट 248 से 541 चला गया, मतलब 110% से भी ज़्यादा का इंक्रीज हुआ है प्रॉफिट में। अर्निंग पर शेयर देखिए तो ये डायरेक्ट जो है 10 रुपया पर शेयर से, देखते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस मतलब जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ईयर में कंपेयर करें, जून 19 और जून 2020, तो इसमें जो कंपेयर करें तो 10 रुपया 45 पैसा था, यहाँ पर 22 रुपया 69 पैसा, तो देखते हैं 22 रुपया 69 पैसा है, यहाँ पर 10 रुपीज़ 45 पैसा था, 100% से ज़्यादा का जंप हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस अर्निंग पर शेयर EPS, जिसको अर्निंग पर शेयर कहते हैं EPS में। और पिछले क्वार्टर कंपेयर में भी काफ़ी इंक्रीज हुआ है, तो काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट, काफ़ी आउटस्टैंडिंग रिजल्ट। अब हम इसके लेवल्स और टारगेट की बात करेंगे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं जीरोधा के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर, यह बहुत ही बेहतरीन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप इंटरडे पोजिशन ट्रेडिंग चाहे इन्वेस्टिंग कुछ भी करना चाहते हैं तो अभी जाइए डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक से जीरोधा में अकाउंट ओपन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको बेहतरीन रूप से आप चार्ट भी देख सकते हैं और ये आपका सबसे बड़ा डिस्काउंट ब्रोकर है। तो अभी तक आपने अकाउंट ओपन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, हम सारे चार्ट देख सकते हैं जीरोधा में देखते हैं। तो यहाँ पर लेवल्स और टारगेट्स की बात करेंगे, तो यहाँ पर आप देख लीजिए इसका जो यहाँ पर से जो ब्रेकआउट हुआ है, जो गिरावट आई थी पैंडेमिक सिचुएशन में, यहाँ से देख सकते हैं काफ़ी तेजी इसमें देखने मिल रहा है। ये 2100 रुपया के आसपास जो गिरावट में आया था पैंडेमिक में, 2100 रुपया से अभी ये 3785 रुपया
3785 रुपया पर क्लोज हुआ है। ये मतलब 4000 के करीब था, 3938 रुपीज़ तक जा चुका था। तो थोड़ा सा गिरावट आया है लास्ट ट्रेडिंग डे। ये जो देख सकते हैं ओपन हुआ था काफ़ी हाई और वहाँ से इसमें गिरावट आया। तो आप समझ सकते हैं कितना बेहतरीन स्टॉक्स है। यहाँ पर ये पहले ओवरबाउट का सिग्नल दिया था, अब यहाँ से ये स्ट्रेंथ जो है वीक हो रहा है, मतलब स्ट्रेंथ आ नहीं रहा, मतलब इसमें जो ओवरबाउट का सिग्नल था वो धीरे धीरे लो हो रहा है। लो होने के साथ साथ यहाँ पर देखते हैं काफ़ी वॉल्यूम आया है, इसमें वॉल्यूम भी देखना है, काफ़ी वॉल्यूम, मतलब रिजल्ट इतना आउटस्टैंडिंग है, इसमें काफ़ी ज़्यादा बाइंग हुआ है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बाइंग हुआ है, गिरावट भी आया, बाइंग भी काफ़ी हुआ। तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के लिए पोजिशन बनाया गया हो या लॉन्ग टर्म के लिए। तो इधर काफ़ी इसमें वॉल्यूम चल रहा है, जब से पैंडमिक सिचुएशन आया है देखते हैं वॉल्यूम आपको काफ़ी देखने मिलेगा। तो मार्केट के जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं उन्हें पहले से पता था कि ब्रिटेनिया के जो रिजल्ट आएंगे काफ़ी आउटस्टैंडिंग आएंगे, देखते हैं काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पर आया है। तो RSI भी तो कमज़ोर होता जा रहा है, तो जैसे RSI कमज़ोर हो रहा है तो अभी आपको बाइंग नहीं करना चाहिए RSI के अनुसार। जब ये धीरे धीरे वीक होता है तो आपको इसमें सेल करना होता है। जैसे इसमें स्ट्रेंथ वापस आएगा नीचे आने के बाद, यहाँ पर वापस आता है ये वीकनेस के कारण नीचे आएगा, वहाँ से जैसे ये स्ट्रेंथ दिखाएगा तो वहाँ पे आपको बाइंग करना है। जैसे यहाँ कमज़ोरी दिखाने लगे RSI वहाँ पे आपको सेल करना है। तो ये होता है पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। अब इंट्राडे के लिए, इंट्राडे के जो टिप्स और ट्रिक्स हैं उसके लिए आपको बहुत चीज़ें सीखना पड़ता है, उसके बाद आप इंट्राडे पर काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको एंजल ब्रोकिंग में जाना है, अकाउंट ओपन करना है, वहां पे आपको फ्री में टिप्स मिलते जाएंगे। तो आपको अगर इंट्राडे के फ्री में टिप्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक से आपको एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन कर लेना है। वहां पर आपको इंट्राडे के टिप्स डेली, मतलब आप कैसे अर्न कर सकते हैं उसके टिप्स मिलेंगे, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए भी मिलेंगे। तो ये था शॉर्ट टर्म के लिए कि यहाँ पर जो इसका लेवल्स आता है, जो फर्स्ट इसका लेवल होगा 3400 इसका फर्स्ट सपोर्ट होगा नीचे का, और ऊपर का इसका जो होगा पहला जो रेसिस्टेंस होगा वो होगा 4000 के रेसिस्टेंस को पार करता है तो इसमें फिर ऊपर जो आपको 200 से 500 रुपये का मोमेंटम देखने मिल सकता है, 200 से 500 का अगर ये 4000 के लेवल को क्रॉस करता है। और नीचे जो यहाँ पर अगर फॉल आता है तो जो पहला सबसे सपोर्ट होगा, मेजर सपोर्ट, वो होगा 3400, और वहाँ से अगर इसमें फॉल आता है, जैसे फॉल की उम्मीद नहीं है क्योंकि रिजल्ट काफ़ी आउटस्टैंडिंग है, ये गिरावट तभी हो सकती है जब मार्केट में फॉल आए, क्योंकि कंपनी के रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन है, फंडामेंटल्स काफ़ी बेहतरीन है, तो गिरावट की उम्मीद उतनी ज़्यादा नहीं है। थोड़े बहुत करेक्शन इसमें होते रहेंगे, 100 रुपया ऊपर गया, 200 रुपया ऊपर गया तो 100 रुपया नीचे आ गया, इस तरह से ही स्टॉक ऊपर नीचे होते हुए चलता है। लेकिन इसका जो नीचे का सपोर्ट क्या है, पहला 3400 हो गया, दूसरा जो सपोर्ट बनेगा इसका 3000, इसका सबसे मेजर सपोर्ट होगा, ये अपने 3000 के सपोर्ट को कभी भी ब्रेक नहीं कर सकता है। मतलब अब मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आ जाए, बहुत बड़ी गिरावट, तब तो आपने देखा ये यहाँ पर जो है 2100 रुपये के आसपास आ चुका था। तो ये था ब्रिटेनिया इंडस्ट्री के शॉर्ट टर्म के लेवल्स, टारगेट और सपोर्ट। अब हम इसके लॉन्ग टर्म चार्ट दिखाते हैं, लॉन्ग टर्म्स में ये कितना बेहतरीन रिटर्न दिया है। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो लॉन्ग टर्म चार्ट को देखिए और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहिए। तो दोस्तों ये देखते हैं आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आने के बाद भी इसमें करेक्शन आया था, काफ़ी मतलब मूवमेंटम इस स्टॉक में देखने मिला था, जिसके कारण यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है। तो ये मूवमेंटम का करेक्शन है, मतलब काफ़ी मूवमेंटम के बाद ये थोड़ा सा करेक्शन स्टॉक में आया है। उसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम ईयर की चार्ट की हम बात करेंगे, तो मैक्सिमम ईयर में चार्ट आप भी देख सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग चार्ट है। यहाँ पर आप देखिएगा तो 2014 से इसमें काफ़ी तेज़ी, 2013 से 14 से इसमें काफ़ी तेज़ी देखने मिला है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि 2013-14 से अगर आप लॉन्ग टर्म पहले से हैं मार्केट में, कि काफ़ी ब्रिटेनिया इंडस्ट्री के प्रोडक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं मार्केट में, तो यहाँ से इसके जो है देख सकते हैं चार्ट पे भी वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। तो ये इंडस्ट्रीज, ये कंपनी आगे भी बेटर परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी बेहतरीन है। चलिए कंपनी की वेबसाइट पर ले जाएंगे, इसके कौन कौन से प्रोडक्ट हैं आप भी देख लीजिए और कितने बेहतरीन प्रोडक्ट हैं, मार्केट पर पूरी तरह से इसकी पकड़ है। ये बहुत सारे बिस्किट कंपनी है, खास करके जो बिस्किट है इनके काफ़ी पॉपुलर है ब्रिटेनिया के। लॉन्ग टर्म चार्ट पे ये काफ़ी बेहतर रिटर्न दिया है, तो ये बिल्कुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन कंपनी है, क्योंकि ये मार्केट में अगले 10 साल 20 साल तक टिका
रहने वाला है, क्योंकि इसके प्रोडक्ट जो है मार्केट में लीड करते हैं और चार्ट इतना सॉलिड है, इस पर रिटर्न देखिएगा तो काफ़ी बेहतरीन और बोनस भी काफ़ी बेहतरीन देख सकते हैं, 7397% का रिटर्न, तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न है, एक FMCG कंपनी है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं कंपनी के वेबसाइट पर, देख सकते हैं britannia.co.in, यहाँ पर आप जाइए प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट देख लीजिए कितने वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, बिस्किट है, ब्रेड है, डेयरी है, केक्स है, रस्क है, तो देखते हैं क्रीम बफर्स है, क्रोइसेंट है, तो ये सारे प्रोडक्ट के टाइप्स हैं। अब इसमें जैसे बिस्किट में आप जाते हैं तो बिस्किट में आप देख सकते हैं यहाँ पर बिस्किट में भी गुड डे है, क्रैक्स है, तो बहुत सारे हैं, मैरी गोल्ड है, टाइगर है, तो आप बहुत सारे बिस्किट देखते हैं। ब्रेड में भी बहुत सारे तरह के ब्रेड हैं, डेयरी प्रोडक्ट में बहुत तरह के डेयरी प्रोडक्ट है, तो ये सारे प्रोडक्ट ऑफ टाइप्स हैं। अगर आप गूगल में सर्च करते हैं ब्रिटानिया प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पर देखते हैं सारे प्रोडक्ट्स आपको दिखाएंगे, आप यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके पढ़ते जाइए कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, इसके बहुत सारे तरह के आर्टिकल आपको मिल जाएंगे, जिस आर्टिकल पे जाकर के उसके प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से हमारे इंडिया के पार्ट्स हैं जिसको ये कवर करता है। तो ये था ब्रिटानिया इंडस्ट्री के बारे में कंप्लीट डिटेल में इंफॉर्मेशन, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ब्रिटानिया इंडस्ट्री में जरूर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा जब भी आपको करेक्शन वाले प्राइस पे मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को दबा दीजिएगा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।